अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.6 का पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम गॉसियस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉसियस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉसियस एलिमिनेशन मेथड के लिए स्टूडेंट हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उन स्टेप्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिस्टम गिवन होगा, यानी कि तीन, अगर 3 बाय 3 का सिस्टम है तो हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। तो इसका स्टेप वन ये होगा कि आप सबसे पहले उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, Ax इज इक्वल्स टू बी करके। पहले स्टेप तो ये होगा जो कि हम हर मेथड के लिए ही करते हैं। फिर इसका सेकंड स्टेप ये है कि आप उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना मैंने आपको सिखाया भी था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, यानी कि ए लिखा जाता है फिर ये बी लिखा जाता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स ए है इसके साथ साथ आप जो बी मैट्रिक्स है वो भी मेंशन कर दें, उसके एलिमेंट्स भी मेंशन कर देंगे, तो आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसका स्टेप नंबर 3 ये है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप इतना सॉल्व करें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इतना सॉल्व करें कि ये इक्लॉन फॉर्म बन जाए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने बनानी है इक्लॉन फॉर्म, राइट? इक्लॉन फॉर्म बनानी है स्टेप 3 में। जब ये इक्लॉन फॉर्म बन गई तो हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स की वैल्यू यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि आप इक्वेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी आपको इक्वेशंस बना लेनी है, और इक्वेशंस बना के आप उसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो ये हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसियस एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास है, और इसमें यही कहा हुआ है हमें कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉसियस एलिमिनेशन मेथड। तो स्टेप 1 अभी हमने देखा, स्टेप 1 ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, यानी कि जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A बना लेते हैं। मैट्रिक्स A को कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाया जाता है। तो x का कोफिशिएंट है -1, 1, -3, और वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2, और तीसरी इक्वेशन में भी वाई का कोफिशिएंट है 2। अब जेड का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और यहाँ पे है -1। तो ये तो मैट्रिक्स ए बन गया मेरे पास। अब जो एक्स मैट्रिक्स होगा इसमें हम सारे वेरिएबल्स को लिखेंगे कॉलम में, तो ये मेरे पास एक्स एक्स मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हम कॉलम में जो कांस्टेंट है ये सारे लिख देंगे, 0, 5 और -2, और ये मैट्रिक्स बी हो जाएगा हमारे पास। उसका जो स्टेप 1 था जो हमने यहाँ पे देखा कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब अगला स्टेप ये है कि आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि जो ए के हमें गिवन है, जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके साथ हमें बी मैट्रिक्स को लिखना है, राइट? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए और स्मॉल बी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, पहले ए मैट्रिक्स आप पूरा लिखें यहाँ पे 1, 2, 2, फिर 1, 0, -1, फिर चाहे तो यहाँ पे लाइन डाल दें, या चाहे तो लाइन ना डालें, डॉटेड लाइन डाल लें, जिस तरह से भी आप चाहें। फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते हैं, तो ये मैंने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख दिया, राइट? तो हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया कि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बना लिया, यानी कि ये स्टेप भी हमने फुलफिल कर लिया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब तीसरा स्टेप जो कि लेंथी स्टेप होगा कि हमने उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रॉ ऑपरेशंस होते हैं,
उन ऑपरेशंस को यूज करते हुए, एलिमेंट के रॉ ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमने इसकी क्लोन फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये -1 है, -1 को हमने +1 करना है, वो तो हम अगले स्टेप में कर लेंगे, लेकिन इसके जो नीचे ये एलिमेंट्स हैं इसको हमने 0 करना है। तो सबसे पहले हम इस 1 को 0 करते हैं, और इस 1 को 0 करना बहुत ही आसान है कि हम रॉ 2 में अगर प्लस करवा दें रॉ 1 को, तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रॉ 2 में प्लस करवा देते हैं रॉ 1 को, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा अभी। अब इसको ऐड कर दीजिए रॉ 1 के साथ, 1 -1 ये हो जाएगा 0, 2 -1 ये हो जाएगा 1, 0 -1 -1, 5 -0 ये 5 ही रहेगा, सॉरी प्लस करवा रहे हैं ना, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस करवा रहे हैं, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, फिर 0 + 1 ये हो जाएगा 1, 5 + 0 ये हो जाएगा 5, और रॉ 3 एज इट इज रहेगी, रॉ 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये -1 है, इसको +1 करना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी रॉ 1 को, तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, 0 के साथ तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, 0 3 1 5 एज इट इज, और थर्ड रो भी एज इट इज, राइट। अब अगला स्टेप ये होगा कि मुझे ये -3 वाला जहाँ पे है इसको भी 0 करना है, तो हम क्या करेंगे कि रॉ 3 में ऐड करवा देंगे क्या, 3 × r1, यानी कि इस 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ लाके ऐड करवा देंगे, तो रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 1 एज इट इज रहेगी, वो भी एज इट इज रहेगी। रॉ 3 में जब हम ऐड करवाएंगे, -3 + 3 होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, 2 + 3 टाइम ऑफ रॉ 1 -1, यानी कि 2 - 3, तो 2 - 3 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1, राइट। अब ये क्या है, -1 और ऊपर भी -1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -4, और ये -2 जब 0 से 0 3 0 -2 तो -2 ही रहेगा, ये रफर यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये 1 के नीचे तो दोनों 0 आ गए ना, 1 के नीचे हमें दोनों 0 चाहिए थे, तो 1 के नीचे तो दोनों 0 आ गए। अब अगले स्टेप हमें ये करना है कि ये जो 3 है इसको हमने 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे रॉ 2 को, यानी कि 3 से डिवाइड करवाएंगे सिंपल, तो रॉ 1 एज इट इज रहेगी, जब इसको 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 3 से डिवाइड होगा 0 रहेगा, 3 3 से डिवाइड होगा तो 1, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 5/3, बाकी रॉ 3 एज इट इज, 0 -1 -4 और ये -2, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने क्लोन फॉर्म बनानी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे ये जो -1 है इसको हमने 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए रॉ 3 में प्लस करवा दें रॉ 2 को, क्योंकि ऊपर 1 मौजूद है, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, तो रॉ 1 और 2 में तो कोई फर्क नहीं आएगा, रॉ 1 एज इट इज, फिर रॉ 2 भी एज इट इज, रॉ 3 में जब ऐड करवाएंगे 0 + 0 0 रहेगा, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। अब ये -4 + 1/3, तो 4 3 = 12, -12 + 1/3, -12 + 1 -11/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -11/3, और यहाँ पे -2, ये -2 है और ऊपर है +5/3, तो 3 2 6, -6 + 5 = -1/3, राइट। और ये रफ रख को आप यहाँ से रिमूव कर दिया करें। अब इस 1 के नीचे भी हमारे पास 0 आ गया,
अब अगला स्टेप हमें क्या करना है कि रॉ थ्री में भी लीडिंग एलिमेंट वन चाहिए, यानी कि पहला जो नॉन जीरो नंबर है वो हमें वन चाहिए। तो -11/3 को वन कैसे बनाएं? अगर हमें -3/11 इसका उलट यानी कि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवा दूं रॉ थ्री के साथ, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से 0 -1 -1 0, फिर 0 1 1/3 5/3, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। अब -3/11 और -11/3, 3 से 3 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। अभी 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1/11 आ जाएगा, राइट? तो इस तरह से ये हमने बना दी इक्लॉन फॉर्म, ये हमारे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई है। इक्लॉन फॉर्म होने की 3 कंडीशन है, तीनों आप चेक कर लें, तीनों फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन ये, सॉरी ये 1 है ना, ये इसी पर मैंने की। पहली कंडीशन ये कि हर रो का लीडिंग नंबर 1 होना चाहिए, यानी कि पहला जो नॉन जीरो नंबर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पहला नॉन जीरो 1 है, यहाँ पे भी पहला नॉन जीरो नंबर 1 ही है, यहाँ पे भी पहला नॉन जीरो नंबर 1 ही है। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास लीडिंग 1 है उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इस 1 के नीचे 0 है, इस 1 के नीचे भी 0 है, और इस 1 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं। ऊपर वाला हम नहीं देखते, 1 के ऊपर वाले पूरा कॉलम नहीं देखते, अगर हमने सिर्फ इक्लॉन फॉर्म बनानी है। अगर हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है तो हम पूरे कॉलम को 0 करते हैं जहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 मौजूद होता है। तो यहाँ पे आके हमारी इक्लॉन फॉर्म बन गई है। जब इक्लॉन फॉर्म बन गई है तो अब हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए इसकी इक्वेशंस बना लेंगे, राइट? जैसे हम कहेंगे वी आर गोइंग टू मेक इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। एक लॉन्ग फॉर्म तो बन गई है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और आगे हम बनाने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब वो किस तरह से बनेगी वो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहीं पे बना देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते, ताकि हमारे सामने इक्वेशंस रहें और हम उसके सामने जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसके सामने ही हम उसकी इक्वेशंस बना लें, राइट? इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने मैट्रिक्स ए बनाया था तो पहला जो कॉलम था हमारा वो एक्स के कोफिशिएंट थे ना, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास ये पूरा कॉलम एक्स के कोफिशिएंट का है, ये वाई के कोफिशिएंट का है, ये जेड के कोफिशिएंट का है, और ये हमारे पास कांस्टेंट या जो मैट्रिक्स बी था वो होता है, राइट? अब हम जब इसके बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सबसे नीचे वाली इक्वेशन से शुरू करें, इसमें एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड 1 है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 1z को सिर्फ z भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है, 1/11। तो z की वैल्यू आ गई जो कि है 1/11, तो ये z की वैल्यू आई है। इक्वेशन नंबर 3 से ही अपना काम शुरू करेंगे आप, राइट? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में आ जाएंगे, ये हमने इस पे काम कर लिया, अब हम इस इक्वेशन पे आ जाएंगे। इसमें x तो 0 ही है लेकिन y 1 है, तो ये इक्वेशन बनेगी y, और z क्या है, 1/3 प्लस 1/3 z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है, 5/3, तो इक्वल कर देंगे 5/3। अब z की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम y की वैल्यू निकाल लें। तो z की वैल्यू है 1/11 इज इक्वल्स टू 5/3, तो y इज इक्वल्स टू 5/3, और ये पूरी टर्म जब उधर जाएगी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ साथ, 1 1 = 1, 11 3 = 33, राइट? अब इसको हमने सॉल्व करना है, 5/3 - 1/33, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगा 33, 3 11 = 33, तो 11 5 = 55 -1, 55 - 1 = 54/33, 54/33, और 54/33 को जब कैंसिल करें 3 के टेबल से तो ये हो जाएगा 18/11। तो y की वैल्यू भी आ गई जो कि है 18/11। अब रह गई z की वैल्यू, अब z की वैल्यू से कैसे निकलेगी, जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें हम x और y की वैल्यू पुट y और z की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अब हम जाएंगे इस इक्वेशन की तरफ, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा x,
वाई का कोफिशियंट माइनस वाई फिर माइनस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, राइट, इज इक्वल्स टू जीरो। आप चाहे तो पहले तीनों इक्वेशन लिख लें, इसके बाद आप सिंप्लीफाई करें। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई थी, इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे दूं। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई थी, इसको इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे दें। चाहे तो पहले तीनों इक्वेशन बना लें, इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की हम निकाल चुके हैं 18/11, जेड की हम निकाल चुके हैं 1/11। तो 18 - 1 ये जाएगा 19/11, और जब ये माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 19/11। इस तरह से ये मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है, राइट। तो स्टूडेंट तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें एक्स की वैल्यू आई है 19/11, वाई की आई है 18/11, और जेड की आई है 1/11। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब हमने सिस्टम सॉल्व कर लिया। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देखिए। हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स की जगह पे -19/11, प्लस वाई की जगह पे 18/11, और जेड की जगह पे 1/11। डिनोमिनेटर सेम है, तो -19 + 19, तो आंसर आएगा 0, और हमें 0 ही चाहिए था। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद होगा, ये हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, जो हमने सिस्टम सॉल्व किया था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, ये सेम वही सवाल है। और उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, सेम वही एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम किसी भी मेथड से काम करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इससे जब हमने काम किया था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में, तो हमारे पास जो एक्स वाई जेड का रिजल्ट आया है, वो हमने देखना है कि वही रिजल्ट अभी भी आएगा जब हम इसे प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी मेथड से काम करें, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं, वो सेम ही आंसर में आनी चाहिए, राइट। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। पहले स्टेप तो ये कि सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। पहले स्टेप, यू हैव टू मेक मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि AX इज इक्वल्स टू B की फॉर्म में आपको अपना सिस्टम लिखना है। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशियंट होते हैं। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। वाई का कोफिशियंट 2 है, -1 है, और यहाँ पे वाई का कोफिशियंट 1 है। जेड का कोफिशियंट 1 1, और यहाँ पे -1। फिर एक्स जो वेरिएबल्स है हमारे पास, वो है एक्स वाई और जेड। और मैट्रिक्स बी जो कि कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है, ये है 8 3 0, राइट। तो अगला स्टेप हमारा क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, ए और स्मॉल बी, तो वो किस तरह से बनाया जाता है कि आप पूरा ए मैट्रिक्स लिख लें अपने पास, 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1, और साथ में जो बी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स आप लिखते हैं, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद इसको इकलॉन फॉर्म तक रिड्यूस करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 2 है, ऊपर 1 है, तो इस 2 को हमने 0 बनाना है, यही हमारे पास इकलॉन फॉर्म होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ 2 में माइनस करवा देंगे 2 टाइम ऑफ रॉ 1, यानी कि रॉ 2 में फर्क आएगा, रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी। रॉ 2 में क्या होगा, ये 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, जब ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। -1 - 4 = -5, राइट। फिर ये 1 है, और जब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, और 1 - 2 = -1। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 = 16, एंड 3 - 16 = -13।
अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो सेम ऑपरेशन मतलब एक ही रो में ऑपरेशन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस वन को भी जीरो बना लेते हैं इसी स्टेप में। आप चाहें तो अगले स्टेप में कर लें, लेकिन मुझे इसी स्टेप में अगर मैं कर सकती हूँ इसी स्टेप में कर लेती हूँ। इस वन को जीरो बनाने के लिए रो वन में से मुझे माइनस करवाना पड़ेगा, तो अगला मैं ऑपरेशन यहीं पर अप्लाई कर देती हूँ कि रो थ्री को माइनस करवा देती हूँ रो वन से। तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 ये हो जाएगा -1, -1 -1 ये हो जाएगा -2, 0 माइनस 8 इज -8। स्टेप में मुझे इस -5 को 1 बनाना है क्योंकि मुझे अगले रॉ में भी लीडिंग एलिमेंट 1 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -5 से इसको डिवाइड करवा देंगे पूरी रॉ 2 को। तो ये मेरे पास रॉ 1 में तो कोई फर्क नहीं आएगा, रॉ 1 एज इट इज रहेगी। रॉ 2 को जब मैं -5 से डिवाइड करवाऊंगी तो ये तो 0 ही रहेगा। -5 डिवाइडेड बाय -5 इज 1, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/5, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 13/5। और इसको फिलहाल हम एज इट इज लिख देते हैं रॉ 3 को, राइट। अब मुझे इस -1 को +1 बनाना है, इस -1 को +1 बनाना, इस -1 को मुझे 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रॉ 3 में प्लस करवा देंगे रॉ 2, राइट। तो रॉ 3 में चेंज आएगा, रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। 0 1 1/5 और ये है 13/5। 0 + 0 ये 0 रहेगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -2 + 1/5 एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 2 10 -10 हो जाएगा, -10 + 1 इज -9/5 और ये -8 + ये होगा -8 + रॉ 2 में है 13/5, तो 8 5 40 -40 + 13 तो -27/3, सॉरी -27/5, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 रफर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे भी 0 आ गया। अब हमें थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट हमें 1 चाहिए, तो ये -9/5 को 1 बनाने के लिए इसका ऑपोजिट यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, -5/9 और इसको R3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये मेरे पास रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी, रॉ 2 भी एज इट इज रहेगी, 0 1 1/5 देन 13/5। अब रॉ 3 को जब मैं -5/9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 0 तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ जाएगा। अब ये -27/5 है, ये -5/9 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, तो माइनस माइनस प्लस होके सिर्फ 3 रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो ये बन गई मेरे पास इक्लॉन फॉर्म, राइट। इक्लॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, लीडिंग एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे हमारे पास 0 ही है, इस 1 के नीचे भी 0 है, इस 1 के नीचे कोई रॉ है ही नहीं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे फुल मतलब अप्लाई नहीं होती। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास नॉन पूरी रॉ ही 0 है तो वो सबसे नीचे लास्ट में लिख दी जाए तो पूरी रॉ तो 0 है ही नहीं, राइट। अब हम इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन बना लेते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसमें हम पहले तीनों इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला ये एक्स का कॉलम होता है, ये वाई का कॉलम होता है, ये जेड का कॉलम होता है और ये कॉन्स्टेंट सी होता है। तो एक्स का कोफिशियंट है 1, एक्स प्लस वाई का कोफिशियंट है 2, जेड का कोफिशियंट है 1 इज इक्वल्स टू 8। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है 0, वाई का 1 है, तो वाई प्लस जेड का कोफिशियंट है 1/5, जेड इज इक्वल्स टू 13/5। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन में एक्स भी 0 है, वाई का कोफिशियंट भी 0 है, जेड का कोफिशियंट 1 है, यानी कि जेड इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहीं से हमें एक वैल्यू तो मिल गई कि जेड की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 3, राइट। तो जेड की वैल्यू हमें 3 यहीं से मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस जेड की वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1/5 जेड की जगह पे पुट करेंगे 3 इज इक्वल्स टू 13/5। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/5
-3/5, तो 13 - 3 10/5, और 10/5 को हम सिंप्लीफाई करें तो वाई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, राइट? तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब सिर्फ जेड की वैल्यू आ गई है, यानी कि हमने अपनी चीजें उठानी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। वाई और जेड दोनों वैल्यू उठानी है, इक्वेशन 1 में पुट करना है ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाए। तो यहाँ पे हम पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, x+2y, y की वैल्यू है 2, z की है 3, इज इक्वल टू 8। x+2 to the 4, 4+3 is 7, तो x की वैल्यू 8, 7 उधर जाएगा तो -7, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू है मेरे पास 1, एक्स की वैल्यू आ गई है 1, वाई की वैल्यू आ गई है 2, और जेड की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3। और यही रिजल्ट हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आया था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। अब ये 1, 2, 3 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, वाई की जगह पे आप 2 पुट करें, जेड की जगह पे आप 3 पुट करें, 2 to the 4, 4+3 7+1 8, तो वेरीफाई भी होगा। तो इसका मतलब है कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।